नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सुर्खी थाना अंतर्गत विद्वास गांव में महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। सुर्खी थाना अंतर्गत विद्वास गांव में खेत में बने घर के नजदीक महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी। महिला के पति रामजी पटेल ने बताया कि वो मजदूरी के लिए गए थे और उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी घायल अवस्था में खेत में बने घर के नजदीक पड़ी हुई है, जिसके बाद रामजी पटेल ने इसकी सूचना सुर्खी पुलिस को दी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए सुर्खी अस्पताल पहुंचाया, जहां काफी खून बह जाने से महिला की मौत हो गई। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कुछ साल पूर्व अपने पहले पति दशरथ लोधी को छोड़कर रामजी के साथ रहने लगी थी और रामजी पटेल ने भी महिला की हत्या का शक उसके पहले पति दशरथ लोधी पर किया है। वहीं पुलिस ने दशरथ लोधी की तलाश की, लेकिन वह गाँव में नहीं मिला। एडिशन SP विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस को महिला के पहले पति पर आशंका है, पुलिस की जांच जारी है। सागर सुर्खी से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। लेट इवनिंग ग्राम विद्वास जो PS सुर्खी के अंतर्गत आता है, वहाँ की एक महिला नीरा लोधी, जिसने 2 साल पूर्व ही फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के दूसरे के साथ अभी शादी करी, पटेल समाज के व्यक्ति के साथ, तो कल पुलिस के पास मैसेज आया कि उसको कुछ लोगों ने मारा है और शार्प ऑब्जेक्ट की चोटें हैं सिर में। पुलिस इमीडिएट स्पॉट में गई, उसको लेकर के आई हॉस्पिटल में, उसका सुर्खी में इलाज कराया और 307 की FIR इसमें रजिस्टर्ड करी। लेटर ऑन इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है, हमने उसमें मर कायम कर लिया है, तदनुसार सेक्शन भी उसमें बढ़ी जाएगी। और अभी जो प्राइमा फेसिस में साक्ष्य आ रहे हैं, तो संभवतः उसके साथ जो फर्स्ट हस्बैंड था दशरथ लोधी, उससे कुछ विवाद हुआ था, उसी ने शायद इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अभी सभी एंगल से इसमें विवेचना कर रही है।